उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 14 करोड़ की लागत से निर्मित किए जाने वाले नानाखेड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण का भूमि पूजन मध्य प्रदेश की नगरीय एवं आवास विभाग मंत्री माया सिंह के हाथों संपन्न हुआ। कॉम्प्लेक्स का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पारस चंद्र जी जैन रहे एवं उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर श्री चिंतामणि जी मालवीय, महापौर मीना विजय जोनवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष इकबाल सिंह कांथी, जिला योजना समिति सदस्य श्याम जी बंसल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश जी अग्रवाल ने की। उक्त जानकारी देते हुए प्राधिकरण के CEO अभिषेक दुबे ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा नानाखेड़ा क्षेत्र में बनाए जा रहे इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की मुख्य विशेषता ये है कि इसका पूरा निर्माण ग्रीन कॉन्सेप्ट के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली सूर्य की रोशनी एवं वायु का उपयोग कर इस प्रकार से किया जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स के स्वामियों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ये नानाखेड़ा बस स्टैंड पर हम लोगों ने यहाँ पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित किया हुआ है और भूखंड के साथ में जो जमीन है इसकी उसके साथ में कंस्ट्रक्शन लागत मिला के ये कुल 14 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें G+2 का निर्माण होगा और कुल 45 यूनिट्स इसमें बन रही हैं ऑफिस के हिसाब से। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है हमारा, ये पूरा ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के आधार पर बनाया जा रहा है। इसमें एज नामक संस्था से जो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन करती है उसमें हम लोगों ने इसको अप्लाई किया हुआ है और वो इसके पूरे जो नॉर्म्स हैं उनका परीक्षण करके फिर हमको इसका ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस क्षेत्र में पूरा कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लेकर जो डिमांड हो रही थी उसको देखते हुए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रस्तावित किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट होने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को एक नया आयाम मिलेगा और यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर यहाँ पर उपलब्ध होंगे। साथ ही ऐसी चीज़ें जिनके लिए उज्जैन के लोगों को इंदौर या दूसरी सिटीज़ की तरफ भागना पड़ता है, उस टाइप के प्रोडक्ट, उस टाइप की सर्विसेज वो यहाँ पर लोगों को मिल पाएंगे। इस अवसर पर मंत्री माया सिंह ने प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए जाने वाले इस कॉम्प्लेक्स की डिजाइन और एलिवेशन की तारीफ की। वह प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए जाने वाले कॉम्प्लेक्स को स्मार्ट सिटी की दिशा में एक बड़ी पहल बताया। सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार की आधुनिक कॉम्प्लेक्स निर्माण करने से दुकान खरीदने वाले लोगों को काफी सहूलियतें देते हैं। सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो स्मार्ट सिटी की मंशा है उस मंशा को साकार करने की है और आदर्श जो जीवन शैली है उस आदर्श जीवन शैली को बनाए रखने की है और ये सब हम सभी के सहयोग से जो है संभव होगा, ऐसे नहीं। और स्मार्ट सिटी का मतलब है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्मार्ट होना ही नहीं है कि हमने विकास कार्य और ये सब कर दिया और हो गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के स्मार्ट उसके साथ ही साथ अधिकारियों की और मैदानी अमले की स्मार्ट वर्किंग और उस वहाँ के स्थानीय जो रहवासी हैं उन रहवासियों का स्मार्ट तरीके से वहाँ के जो संसाधन हैं उनका उपयोग करना भी उसमें शामिल है। प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि प्राधिकरण विगत कई वर्षों से ऐसे आधुनिक और बहुउद्देशीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराना चाहता है जिसके लिए यह भूमि उपयुक्त पाई गई। अध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करेगा। आपने ये भी कहा कि कॉम्प्लेक्स के भूखंड का क्षेत्रफल 930 वर्ग मीटर है, इसका निर्माण 15 माह में पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक दुकान के सामने 10 फीट चौड़ा कॉरिडोर रहेगा तथा कॉम्प्लेक्स के आगे एवं पीछे पार्किंग की सुविधा होगी। कॉम्प्लेक्स में भूतल पर 15, प्रथम तल पर 15 एवं द्वितीय तल पर 15 दुकानें ऑफिस चैम्बर निर्मित किए जाएंगे। प्रत्येक दुकान ऑफिस चैम्बर का आकार लगभग 11 बाय 17 फीट का रहेगा।